हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी स्टूडियो बाय ज़ारा सिस्टर। क्या हाल चाल है व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरे व्यूवर्स की स्किन किस तरह की जा रही है, आई होप के बेस्ट ही होगी। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक मैजिक टिप लेके आई हूँ, आई होप ये मेरे व्यूवर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जी, आजकल आ चुकी है गर्मी और मेरे व्यूवर्स की आई थिंक सो स्किन जो है गर्मी की वजह से झुलस रही होगी, तो मैंने सोचा कोई ऐसी रेमेडी बनाऊं जिससे मेरे व्यूवर्स की स्किन गर्मियों में भी ठंडी रहे और उनका फेस हमेशा फ्रेश रहे। तो आज की इस नस्बत के हवाले से मैं लेके आई हूँ आपके लिए मुल्तानी मिट्टी और हनी के बारे में। हनी हमारे फेस के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ये हमारे स्किन पर जो झुलस जाती है स्किन उसको बेस्ट करेगा और हमारे स्किन पर शाइन लाएगा। और मुल्तानी मिट्टी तो वैसे भी हमारी स्किन जब जलना शुरू हो जाती है तो हम उसको एक और लगा लें तो हमारी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो आज हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? जी, आज की हमारी रेमेडी है मुल्तानी मिट्टी, उसमें हनी यूज़ करेंगे और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमारे सीक्रेट्स हैं, वो हम रेमेडी के मिड में बताएंगे। तो अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो अपनी रेमेडी को करते हैं स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जी, सबसे पहले लेंगे हम एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक पिंच टर्मरिक पाउडर यानी कि हमारी हल्दी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हनी। हनी हमारे फेस के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो है रोज़ वाटर। एक चम्मच इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। उसको अच्छी तरह से कर लें। इसको आपने अपने फेस पर 15 मिनट के लिए लगाना है और 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब अपने फेस को वॉश कर लें। ये आपने दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।